तो सबसे पहले आप सभी मित्रों जो मेरे सब्सक्राइबर है महाकाल टेक परिवार के, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कारण जो है चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है, और जिसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूँगा। दोस्तों चलिए आज आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से YouTube के जो लोगो बहुत ही HD में आप लोगो बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ये बता दें कि आपका जो YouTube का लोगो होते हैं वो सिर्फ आपके लिए लोगो होते हैं, पर दोस्तों आपके एक ब्रांड होते हैं, आपका लोगो आपके लिए एक ब्रांड होते हैं, और जितने भी यूट्यूबर जितने भी अगर कोई आपका वीडियो देखते हैं, कोई भी ऑडियंस आपका वीडियो देखते हैं, तो आपका जो लोगो देखकर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा आकर्षित आपके लोगो को देखकर होते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि लोगो अगर आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना आपका वीडियो में क्वालिटी जो है उतना अच्छा आपका वीडियो आकर्षित होगा और उतना अच्छा आपका वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आज मेरे एक YouTube में कमेंट आया था, जिस भाई का नाम था, उसके YouTube चैनल का नाम है सब आसान होगा। तो उस भाई ने कमेंट किया था कि लोगो किस तरह से अच्छा बनाया जाता है, तो आज मैं आपको उसी भी कहता है उस कमेंट को लेकर उस भाई के रिक्वेस्ट पर मैं आज भी ये वीडियो बनाया हूँ कि आप किस तरह से अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी तरह से लोगो बना सकते हैं। तो सो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप मिस ना करें, और आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ना हो कि आपको और 10-5 वीडियो और भी देखना पड़े कि लोगो कैसे बनता, लोगो कैसे बनता। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप जो है इस बार देखने के बाद आपको कभी भी लोगों के बारे में और सर्च भी करना नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि किस तरह से लोगों बनाया जाता है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर आप वीडियो को स्किप ना कीजिए। तो दोस्तों मैं हूं तरुण जी, आप देख रहे हैं महाकाल टेक, और महाकाल टेक किस तरह के और टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मिलता रहे हमारा हर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आप तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन के होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस एप्लीकेशन के बिना हम लोगो कभी भी बना नहीं सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम प्ले स्टोर जाएंगे, और प्ले स्टोर जाने के बाद उस एप्लीकेशन को सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे। तो जैसे कि मैं प्ले स्टोर में आ चुका हूँ, और आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ उस जो एप्लीकेशन जन है, दोस्तों उसका नाम है पिक्सल लैब। देखिए मैं लिखते लिखते आ गया सामने, तो मैं वाला क्लिक करता हूँ। तो ये पिक्सल लैब है, आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों मेरा जो है ये डाउनलोड है, मेरा ओपन लिख रहा है, तो अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों थंबनेल और कोई भी लोगो बनाने के लिए एक सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो है एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, ठीक है ना। इससे करीब करीब 90% यूट्यूबर इसको यूज़ करता है, जितना भी यूट्यूबर है इस एप्लीकेशन का यूज़ करता है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, चाहे आप कोई भी यूट्यूबर को देख लीजिए, तो सब जो है पिक्सल लैब को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। जैसे कि दोस्तों मेरा ओपन हो चुका है, अब ओपन होने के बाद आपको इसमें अलाउ कर देना है, अलाउ करने के बाद आप जो है इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका था, मैंने तो पहले डाउनलोड कर लिया था, और मैंने एप्लीकेशन के जो है फंड में आ चुका हूँ। अब हमारे और एक काम है, जो कि मुझे गूगल में जाकर सर्च करना है, और वहाँ पर सर्च करने के बाद हम जो है बहुत ही अच्छी तरह से और एक अट्रैक्टिव जो है लोगो, HD वाले लोगो जो है हम आराम से बना सकते हैं। तो कौन सा है चलिए देखते हैं, और चलिए उसको कैसे डाउनलोड करते हैं चलिए सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने गूगल में आ चुका हूँ, यहाँ पर गूगल को ओपन करता हूँ, और गूगल को यहाँ पर ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर एक चीज़ सर्च करना है, और जिसका नाम है दोस्तों राउंड लोगो। देखिए हम यहाँ पर लिखा है पहले से ही राउंड लोगो, तो आपको राउंड लोगो लिखना है, और राउंड लोगो लिखकर आपको सर्च कर देना है। दोस्तों आपको और एक चीज़ बता दें कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे ही लोगो बनाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ही इससे भी अच्छा, बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छा अट्रैक्टिव जो लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का आपको जो लोगो है देखने को मिल जाएगा। आपको हम बता दें कि आप किस तरह से इसको डाउनलोड करेंगे। अब देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, पर आपको जो मैंने जो खास यूज किया था आपको वाला दिखाते हैं कि वाला कौन सा है, ठीक ना, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और आप भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा और भी नीचे चल जाता हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा नीचे था वाला मेरा जो एप्लीकेशन था। तो दोस्तों देखिए मुझे जैसे कि मिल चुका है, अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको फाइनली अब इसको डाउनलोड करने वाला हूँ। तो देखिए इसको जैसे आपको क्लिक करके पकड़, तो चलिए दोस्तों जैसे कि मैंने वो जो लोगो था डाउनलोड कर चुका हूँ,
गूगल से आप भी लोगो डाउनलोड कर लीजिए। आपको उससे भी अगर अच्छा लगता है तो आप डाउनलोड कीजिए, दूसरा कोई डाउनलोड कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको वहीं वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जो पिक्सल लैब जो मैंने जो डाउनलोड किया था जिस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, मैं उसको ओपन करूँगा। अब ओपन करने के बाद देखिए आपको ये बताऊंगा कि देखिए सबसे ध्यान देने वाली जो बात है, यहीं पर पूरा ध्यान देने वाला बात ये है कि आपको थोड़ा इसमें ध्यान देके देखना है ताकि आप जान सके और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके बाद जो है आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो और इसके बाद आपके माइंड में सेट हो जाए लोगों को कैसे आपको करना है आपको, और कभी भी और दूसरा कोई आर्टिकल भी ना जाकर पढ़ना पड़ेगा ना ही कुछ दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन देख रहा, नीचे देखिए एक यहाँ पर कलर का है, सेकंड में देखिए कैपिटल का है, ये बहुत कुछ लिखा है। तो आपको पहले क्या करना है कि पहले आपको चौथा जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है। अब चौथा नीचे वाला चौथा ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पर देखिए कलर है और आपके जो है सेकंड थर्ड में है इमेज साइज, ठीक ना। तो इमेज साइज आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट जो है इसको हमें ना ऐसे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इस तरह का बन गया। आपको दोस्तों ध्यान देने वाला बात है कि आपको कोई भी जैसे कि कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको कलर यहाँ पर नहीं लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कलर देखिए वाइट है, लाल है, रेड है, आपको कुछ कलर नहीं लेना है। आपको करना है कि डायरेक्ट देखिए ट्रांसपेरेंट जो है इसको आपको क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे, आप समझिए। अब देखिए एकदम ऊपर में चल जाइए, आप देखिए आपका जो बायां हाथ है बायां तरफ देखिए एक ऊपर का प्लस का आइकॉन है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप प्लस का आइकॉन में क्लिक करते हैं उसमें आपको पहले टैक्स है, करंट डेट है, स्टिकर है, फ्रॉम गैलरी है, बहुत कुछ ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ का। तो आपको करना ही है कि आपको फ्रॉम जो है गैलरी जो है इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप फ्रॉम गैलरी करने के बाद आपको दोस्तों आपने जो अभी डाउनलोड करके रखा था आपको उसको डाउनलोड जो किया था उसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैंने इसको डाउनलोड किया था, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैं इसको क्लिक कर दिया। अब आपको करना ही है कि आपको जो है इसे हो गया, आप जैसे भी रखेंगे आप आराम अपने सुविधा के अनुसार इसको रखिए, बीच में साइड में जहाँ भी रखेंगे आप। देखिए यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, अब नीचे एकदम नीचे आप चलाइए, एकदम नीचे जहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एक फिर एक डिजाइन का। तो आपको क्या करना है कि तीन नंबर में ऑप्शन में जो आपको क्लिक करना है, तीन नंबर में ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे और इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको दिखा देते हैं, देखिए इधर यहाँ पर जो आपको मेरा इरेजर कलर का है इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको हल्का सा एकदम थोड़ा सा बस हल्का सा इसको क्लिक कर देना है, हल्का सा एकदम ज़रा सा, ठीक है, बस ज़रा सा एकदम करके आपको फिर से इसमें साइन कर देते हमने जो सही वाला टिक है उसको क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे देखिए दोस्तों, अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको लिखना है टैक्स। अब देखिए हमको दोस्तों यहाँ पर कैसे टाइटल यहाँ पर जो है हम टैक्स लिखेंगे, ठीक ना, टैक्स कैसे लिखना है। तो टैक्स लिखने के लिए देखिए आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको मिलता है एकदम नीचे ए, यहाँ पर एक आइकॉन बना है उसमें देखिए क्लिक करना है, आपको टैक्स वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब टैक्स वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको देखिए फर्स्ट में एडिट वाला ऑप्शन है, इसमें एडिट वाला में आपको क्लिक करना है। अब एडिट वाला में क्लिक करने के बाद आपको जो ये टैक्स लिखा है इसको काट देना है और इसमें आपका चैनल का नाम लिखना है। तो मैं इसमें हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूँ महाकाल, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर महाकाल लिख दिया। और महाकाल लिखने के बाद देखिए बड़ा कैसे बनाएंगे इसको, जो मेरा जो सब्जेक्ट मैंने जो इस टाइटल को लिखा कैसे बड़ा करेंगे इसको, तो बड़ा करने के देखिए यहाँ पर साइज है, ठीक ना, नीचे वहीं वाले ए में आपको मिल जाएगा, साइज में आपको थोड़ा बड़ा कर देना है, ठीक ना। आपको अपने हिसाब से बड़ा कीजिए, आपका लोगों के हिसाब से, आपके डिजाइन से हिसाब, डिजाइन के हिसाब से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने इसको बड़ा कर दिया है, अब बड़ा करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर सही वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इसको मैं थोड़ा अलग डिजाइन भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको जो है स्टाइल जो है इसमें स्टाइल जो मोटा भी आप देख सकते हैं, पहले देख लीजिए, पहले देखिए इसमें है फंट है, फंट में भी क्लिक कर सकते हैं। स्टाइल में देखिए आप फंट में आपको बहुत सारा यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगा, आप किस तरह का बनाना चाहते हैं। तो इसमें कुछ भी मैं तरह का नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा जो बी है बी वाला में उसमें क्लिक कर देना है, मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कलर, ठीक ना, कलर वाला आपको मैं नहीं बताया था। तो अब देखिए कलर में आपको कुछ भी अगर कलर अब जो भी कलर आपको अच्छा है उस कलर में आपको उसमें बदल सकते हैं। इस तरह से आपको भी एडिटिंग करना है और आपको भी इस तरह से एडिटिंग करना है जिससे कि आपका भी जो लोगो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखे, बहुत ही ज़्यादा HD दिखे, जिससे कि आपका वीडियो जो है लोग आकर्षित करें और आपका वीडियो भी लोग देखें, लोग भी बोले कि ना आपका ब्रांड है। तो इस तरह से हम कोई भी कलर हम दे सकते हैं, पर मुझे जो व्हाइट कलर जो अच्छा लगता है, और व्हाइट में जैसे उसका साइड में जो बॉर्डर में मैं जो ब्लैक कलर उसमें दे दिया।
ठीक है, जिसको आप देखिए उसमें आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जिस ऑप्शन के साथ आप आराम से जो कोई भी कलर को यूज़ करके देखिए, इसमें भी इलेजर में देखिए हम थोड़ा हल्का सा बढ़ा देंगे, जो ब्लैक कलर जो होते हैं हल्का सा उसमें बढ़ा देंगे, हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा जो महाकाल मैंने लिख दिया, अब मेरा जो काम है अब टैक्स का काम है, यानी फिर मुझे टैक्स लिखना पड़ेगा। तो हम फिर से वही वाला काम करेंगे, जैसे फिर से आपको नया फिर टैक्स लिखना पड़ेगा, और फिर से आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा लिखने का, और देखिए फिर से मैं वहाँ पर टैक्स लिख दूंगा। उसके बाद फिर जैसा का फिर वो मैं वैसे ही फिर से जैसे मैंने महाकाल लिखा था उसी तरह का मैंने फिर से उसी तरह का मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। अब फिर उसको मैं बड़ा कर दूंगा, देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाएगा बड़ा करने का, और इसके साथ आराम से ये जो है आराम से जितना इसका बड़ा हम चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। पर हम दोस्तों अपने हिसाब से अपने लोगों के हिसाब से इसको बड़ा करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो भी जो है ख़राब दिखेगा, अगर ज़्यादा छोटा करेंगे तो भी ख़राब दिखेगा। तो हम थोड़ा बड़ा करना करेंगे ना, ज़्यादा छोटा एकदम मीडियम में रखेंगे। तो अब दोस्तों मैं इसमें कलर जो है पीला कलर दे देता हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पीला कलर, व्हाइट के साथ पीला, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है जैसे खिंचाव टाइप का होता है, आकर्षित टाइप का, उस टाइप का लग रहा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इसमें थोड़ा ब्लैक दे दूँगा साइड में, इसका साइडिंग बॉर्डर में, फिर इसमें जो है इसमें भी लेज़र में भी थोड़ा हल्का सा ब्लैक दे दूंगा, हल्का सा, ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत नहीं करने का है, एकदम आराम से करने का है आपका, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का, आप आराम से इसमें कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको जितना भी लगता है देख के उतना कुछ नहीं है। आप आराम से एक बार एप्लीकेशन खोलिए और आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, देखिए आपका आराम से होगा। देखिए फिर आपको किस तरह से सेव करना है, आप इसमें देखिए सेव भी कर सकते हैं सेव। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी तो जो है मेरा जो है लोगो बन चुका है, अब इस लोगो को मैं कैसे सेव करूंगा जो कि मेरे गैलरी में सेव हो जाएगा। तो देखिए वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक है आपके इमेज में और एक है प्रोजेक्ट में। तो हम जो यहाँ पर इमेज में यहाँ सेव करने वाले हैं, तो आप इसमें क्लिक करेंगे, जो आपको मेमोरेबल ऑप्शन जो दिख रहा है ऊपर में उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें सेव टू इमेज आ जाएगा। फिर आपको देखिए गैलरी में आप जो इसमें सेव कर सकते हैं, देखिए मेरा सेव हो चुका है। अब मैं गैलरी में जाकर इसको चेक करूंगा कि मेरा सेव हुआ है नहीं, मेरा गैलरी में ये आया कि नहीं ये वाला पिक। देखिए मैं अपना गैलरी में चला, ये मोबाइल स्क्रीन में, होम स्क्रीन में, देखिए ये जो मेरा है, यानी आपको फिर से दिखाते हैं मैं, देखिए जो मेरा गैलरी है, मेरा गैलरी में देखिए मेरे जो पिक्सल लैब का जितना भी था उसमें देखिए ये वाला जो था ये मेरा आ चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी आराम से बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आराम से इस तरह का लोगो बन सकते हैं। दोस्तों आपको अगर कुछ भी दिक्कत है इस लोगो से, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी ऐसा लगा कि आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि आपको अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछिए, क्योंकि हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हैं। हम हर कोई यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर है हर यूट्यूबर को मदद करेंगे, क्योंकि हम भी। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि जब मैं यूट्यूब में नया था तो मुझे YouTube में जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ था, अगर मैं किसी से भी कुछ कमेंट करता था, अगर मुझे कुछ भी दिक्कत हुआ तो मैं किसी से भी कमेंट किया तो मैंने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैंने बहुत बार उसके कमेंट किया था, और बड़े यूट्यूबर तो ऐसे यूट्यूबर होते हैं जिसको अगर अगर जैसे ऊपर अगर उठ जाता तो अगर आप उसको कुछ भी सवाल, अगर कुछ भी आपका कठिनाई अगर बताते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम बताते हैं, तो आपके कमेंट को भी इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम जानते हैं इस कष्ट को, इसीलिए जो नए यूट्यूबर हैं मैं सबका मदद करूंगा, क्योंकि मैं जो है दोस्तों मेरे ही एक मत ये है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी नए यूट्यूबर रहेगा सबका मदद करूंगा, सबका आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि मेरा भी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, मैं सबका मदद करूँगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आप इस चीज़ को ट्राई भी कर सकते हैं। आप हर कोई कॉमेंट कीजिए, मैं हर किसी का, हर भाई का, हर बहन का मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मिलने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको देते रहेंगे। और मेरा एक मकसद था कि मेरा 10,000 सब्सक्राइब जब पूरेगा, जब मेरा 10,000 सब्सक्राइब हो जाएगा उसके बाद ही मैं यूट्यूब का जानकारी दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो मेरा जो 10,000 सब्सक्राइब पूरा हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप लोग के प्यार की वजह से 10,000 सब्सक्राइब महाकाल टेक परिवार ने पूरा कर चुका है, जिसके लिए आप सबको मैं पहले भी धन्यवाद दिया हूँ, और मैं बार बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और बार बार दोस्तों आपके मैं आभारी रहूँगा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो इसलिए चले मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अगले इतना ही, धन्यवाद। जय जवाहर, तो वंदे मातरम, धन्यवाद।